नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैक्टर द वैरियर में। आज सुबह बारिश हुई, कल रात में परसों तीन चार दिन से हल्की फुल्की बारिश होने के कारण जो है खेतों में काफ़ी नमी आ गई थी, तो आज इसमें पानी भर दिया गया है। अब धान लगाने की तैयारी शुरू हो गई, दो तीन दिन बाद इसको खोल कर फिर से जो है जोत कर उसमें धान लगवा दिया जाएगा। हमारा यह है 7746 चार गियर एक रिवर्स हाइलो के साथ 2022 मॉडल 3478 सीसी का इंजन है, 1405 के रेयर टायर है, 7516 के फ्रंट टायर, 6 फुट के सोनाडेर का जलंधर ट्रैक्टर के साथ इसकी परफॉर्मेंस आप लोग देख रहे हैं। अभी ये लो के तीसरे गियर पर 1400 RPM में चल रहा है। पानी में एक गियर बढ़ा के ही चलाना होता है, क्योंकि जो इसके पिछला टायर है वो स्लिप ज़्यादा काटते हैं, जिसकी वजह से स्पीड काफ़ी स्लो हो जाती है और ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ता रोटावेटर पर, क्योंकि मिट्टी एकदम गीली होती है। पानी भरा होता है तो जोर नहीं पड़ता है, अगर पानी कम रहेगा तो मिट्टी चिपकती है, जिसकी वजह से काफ़ी जोर पड़ता है ट्रैक्टर पर। लेकिन अभी पर्याप्त मात्रा में पानी है तो आराम से बिल्कुल चल रहा है। देखिए पंछी अपना भोजन तलाश रहे हैं, लगभग शाम का वक्त है, अभी थोड़ी देर में सारे पंछी अपने अपने बसेरी की ओर चलेंगे। हमारे यहाँ इन पंछियों को बकला कहते हैं, आप क्या क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए कैसा दहाड़ता हुआ चला रहा है स्वाद। इसकी दोनों लिफ्टें लगभग बीच में है, अगर नीचे डाल देंगे तो ये 2000 RPM भी नहीं खींच पाएगा, स्लिप बहुत बढ़ जाएगी इसकी। हमने ट्राई किया था तो ये बहुत स्लिप मार रहा था, दम दौड़ रहा था। गीली मिट्टी में तो दोनों लीवर नीचे करके चलाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत हाई RPM रखने पड़ेंगे, जिसकी वजह से माइलेज भी बहुत ज़्यादा ड्राप होगा। अभी इसमें तकरीबन 5-5.5 लीटर या 6 लीटर के आसपास का माइलेज है, 5-5.5 से ऊपर तो ज़्यादा लेता नहीं। वैसे ही बड़ा इंजन है, संभाल के चलाइए, अच्छा एवरेज देगा, और बेरहमी से चलाएंगे तो 10 लीटर भी खा जाएगा ये। स्वराज तो तेल का पंपा वैसे भी कहा जाता है, लेकिन बड़े इंजन को संभाल के चलाना पड़ता है। इतने RPM रखे कि ट्रैक्टर दबे भी ना, और इतने हाई RPM भी ना रखे कि फिजूल की तेल खर्च होती रहे। आराम से चलाइए, दमदार गाड़ी है, छोटों में छोटी बड़े में बड़ी। एम्प्लीमेंट थोड़ा छोटा है इसका, लेकिन रास्ते सकरे होने की वजह से लाने ले जाने में आसान होता है, इसीलिए इतना छोटा एम्प्लीमेंट रखा है, तो कम RPM पे आराम से खींचता है, एवरेज बढ़िया निकाल लेता है। वैसे तो सब लोग इसमें 7 फुटा ही चलाते हैं, लेकिन 6 फुटा भी चल जाता है। हम लोग काफ़ी समय से चला रहे हैं, 2 साल होने वाली, लगभग 1.5 साल पूरा हो गए हैं। सोनालिका चैलेंजर रोटावेटर भी काफ़ी अच्छा है, प्रीमियम क्वालिटी का रोटावेटर है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। अभी इसका ये 4th सीजन है, अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, अभी सीजन बाद इसकी सर्विसिंग का नंबर हो जाएगा लगभग। इसके पहले कल्टीवेटर से इसको एक एक बार जोत दिया गया था, दोबारा इसमें रोटावेटर चलाया जा रहा है। रोटावेटर चलाने के बाद जो है एक बार और रोटावेटर से खोल के इसमें धान की रुपाई हो जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।